नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोन्स, फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे शरीर में कौन सी जगह पे तिल होने से बहुत शुभ माना गया है। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में यह बहुत ही शुभ माना गया है। पांच जगह के बाद बात करेंगे। सर्वप्रथम है होठों के ऊपर तिल रहने से दोस्तों क्या होता है। होठों के ऊपर नीचे तिल होने से बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति धन के प्राप्ति, धन के परम योग बनती है। बच्चे को होने के समय से स्टार्ट करके सारा जीवन में इस व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। धन की कमी इसमें कभी भी नहीं रहती, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप वरदान इसमें बनी रहती है। माता लक्ष्मी इस जातक की जाति का कभी नहीं छूटता। माता लक्ष्मी का स्वरूप हमेशा इसमें रहती है। जीवन में बहुत ऊंचा चला जाता है व्यक्ति धन के वजह से, बहुत ही ऊपर चले जाते धन और प्राप्ति के वजह से। दूसरा नंबर है होठों पे तिल। होठों पे तिल रहने पर क्या होता है, होठों में तिल रहने पर सबसे ज़्यादा दिखा गया है व्यक्ति का बहुत ही अकेलापन रहना बहुत ही पसंद करते हैं, अकेला रहने बहुत ही पसंद करते हैं। और इस व्यक्ति बहुत ही शार्प माइंड और समझदार लोगों में से एक होते हैं। चिंता बहुत ही ज़्यादा करते हैं, फिर भी बहुत ही काम बहुत ही ठीक ठाक तरीके से करते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत ही इस जाति का बहुत ही सबसे ज़्यादा हंसता खिलता दिखाई देता है, सब समय हंसता खिलता दिखाई देता है। इसका निशानी है तो स्माइल बहुत ही ज़्यादा करते हैं इस व्यक्ति को। और तीसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, नाभि के नीचे दाहिने तरफ तिल होने से क्या होता है। नाभि के नीचे दाहिने तरफ तिल होने से सबसे ज़्यादा दिखा गया है जाता गया जाति का लोनलीनेस, एकाकितनेस, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं, अकेलापन और आसपास के लोगों से बहुत ही ज़्यादा ये चिंतित में पड़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाता है। फिर भी इसका पैसा में कभी भी कमी नहीं आता। इस व्यक्ति को भी जीवन में धन की प्राप्ति और वरदान स्वरूप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा मिलती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होने के स्वरूप इस धन की कभी भी प्राप्ति में कभी भी कमी नहीं होते, बहुत ही ऊँचाई और तरक्की में ये लोग जीते हैं और आसपास लोग इससे देखकर जलते हैं और उसके लोनलीनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं सबसे ज़्यादा पैरों में नीचे सबसे ज़्यादा तिल होने पे दिखा गया है ये दाहिने और बाएं तरफ तिल होने से सबसे ज़्यादा व्यक्ति खाने का शौकीन होता है। दोस्तों खाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होता है, खाना बहुत ही ज़्यादा ये पसंद करते हैं, तरह तरह के फूड्स, तरह तरह के खाना इसका बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरा दिखा गया है बहुत ही ज़्यादा ये पशु प्रेमी और खास तरीके से डॉग्स लवर बहुत ही ज़्यादा है, पशु को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, पशु को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसको केयर करते हैं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को